हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज हम कोई रेमेडी तो नहीं बनाने वाले हैं, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ एलोवेरा को यूज़ करने का, जिससे यूज़ करके आप अपने स्किन पे बहुत ही बेहतरीन ग्लो ला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एलोवेरा लीफ यूज़ कर रही हूँ। आज हम कोई रेमेडी नहीं बनाएंगे, बस मैं आपको बताऊंगी कि आप एलोवेरा को किस तरीके से यूज़ करेंगे कि ये आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा स्किन में ग्लो देगा, साथ ही ये आपके स्किन के एक्ने वगैरह को, पिंपल वगैरह को दूर करने में हेल्प करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एलोवेरा लीफ ले लिया है और बहुत ही छोटा लीफ हमें कट करना है। इसके साइड्स को निकाल देना है और इसका जो जेल वाला पार्ट होता है उसको निकाल लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसकी एक लेयर निकालूंगी तो इसका जेल पार्ट निकल जाएगा। बस फ्रेंड्स, फिर क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें थोड़े हाथों से स्क्रैचेस लगाने हैं, जिससे कि जो जेल होगा वो थोड़ा सा उभर जाएगा और निकलेगा बाहर। तो ये हमें लगाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से लगाना है। तो इसे आपको लगाना है सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए। इस रेमेडी को आप रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर रात में इस्तेमाल करते हैं ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे आपको रात में इस्तेमाल करने के बाद लगा के सो जाना है। इसे धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल इसे सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक आपको मसाज करना है, और अगर ये बीच में सूख सा जाए तो आप इसे फिर स्क्रैच कर लें, और उसके बाद फिर अपने गले पे, फेस पे, सब जगह लगा लें। तो ये आपकी पिंपल की परेशानी कभी नहीं होगी इससे आपको, साथ ही आपके चेहरे में अगर कोई भी दाग धब्बा होगा तो वो भी बहुत जल्दी हट जाएगा। बस आपको ये चीज़ डेली करनी है, अपनी डेली रूटीन में लानी है। नाइट में लगा कर सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जब भी सुबह के टाइम या दिन के टाइम जब भी फ्री रहती हैं तो उस टाइम भी इसे यूज़ कर सकती हैं। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इससे आपके आंखों के नीचे के डार्क सर्कल होंगे अगर बहुत ज़्यादा, तो वो भी दूर हो जाएंगे। बस आपको इसे सर्कुलर मोशन में घुमाते रहना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ, और इसे पूरे फेस में अच्छी तरीके से रब करना है। साथ ही आपको गले के पोर्शन में भी, नेक वाले पोर्शन में भी अच्छी तरीके से लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए लगाना है, और तकरीबन 5 मिनट तक आपको इसका मसाज करना है। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और इस चीज़ को आपको रोज़ाना ही करना है, जिससे आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे स्किन पे भी कोई दाग नहीं दिख रहा है। ये इसी का कमाल है, क्योंकि मैं रोज़ इसे यूज़ करती हूँ। जब भी आपके पास टाइम हो, ज़रूरी नहीं कि नाइट में ही, अगर आपको दिन में भी टाइम मिले तो दिन में 10-15 मिनट आप इसका मसाज कर सकते हैं। इससे बहुत ही स्किन ग्लो भी करने लगती है। आप देख सकते हैं, मैं अपनी फेस पर अच्छी तरीके से मसाज कर रही हूँ इसका। फ्रेंड्स, एलोवेरा में बहुत ही अच्छे तत्व होते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, साथ ही ये आपके स्किन को हाइड्रेट भी रखते हैं। तो गर्मियों के टाइम के लिए ये करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो इसमें फिर से थोड़ा सा स्क्रैच करें, जिससे कि लिक्विड फिर बाहर आने लगे, और उसके बाद आपको फिर से इसे फेस में अच्छी तरीके से मसाज करना है। 10 से 15 मिनट बहुत होते हैं फ्रेंड्स ये आपके मसाज एलोवेरा से मसाज करने के लिए, और इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कंटिन्यू मसाज कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है, अपने नेक पोर्शन में, अपने चिन पोर्शन में, हेड पोर्शन में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी। आई होप आपको रेमेडी अच्छी लगी हो। अगर यह रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर कोई आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।